पीछे करके सीधा कर लूं। खुदा गवाह है आंखों में मेरी नूर
गवाह है आँखों में तेरी नूर, जो हाल दिल का है मानो सुना नहीं सकता, सर बुलाता है मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवार दम घुटता है मेरा अब यहाँ से चलो मैं सकीना ये भूखा करती थी रोकर, तुम तो कहती थी रिहाई की घड़ी पहुंची, ऐसा लगता कोहरा मच गया कुछ दूर हट के खैमे में बोले शहे ज़मन, अरे ज़हमत न हो तो बाजू बढ़ाओ जरा बहन, अरे मैं बोस लूं वहां के चैब देगी जहां रसन, बाजू बढ़ा के रोती थी हम शेर खस्ता तन, भाई बहन के बाजू को जब चूमने लगा कोहरा मच गया ये सुन के बिन्त फातिमा ज़हरा तड़प गई, बोली गला बढ़ाओ बस अब जल्द आखी, मैं अम्मा की बात आज मुझे याद आ गई, मैं बोस लूं वहां के चलेगी जहां छुड़ी, ज़ैनब ने बढ़ के चूमा बरादर का जब गला कोहरा मच गया बेटी से फिर ये कहने लगा फातिमा कला, रहना फूफी के साथ रखेंगी तेरा ख्याल,
गुरबत है तुम फूफी से न करना कोई सवाल, वरना तेरे पदे को गा बहुत मलाल। फिर सर पे हाथ रख के जो देने लगे दुआ, मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Oh!
नासरी का नासरी नासरी जान थोड़ा ख्याल भाई घंटा नहीं दे थोड़ा घंटा नहीं दे وسيد النبيين وخاتم المرسلين وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام افترض الله طاعته على العالمين وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد
وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين أئمة هدى أبرارا يا سيد محمد آن نقوي ابن سيد عابد حسين نقوي إذا أتاك الملكان المقربان الرسولان من عند الله تبارك وتعالى وسألاك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهما الله جل جلاله ربي ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي والحسن بن علي المجتبى إمامي والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي وعلي زين العابدين إمامي ومحمد بن علي الباقر إمامي وجعفر بن محمد الصادق إمامي وموسى الكاظم إمامي وعلي الرضا إمامي ومحمد الجواد إمامي وعلي الهادي إمامي والحسن العسكري إمامي والحجة هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وساداتي وقادتي وشفعائي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة ثم اعلم يا سيد محمد آل نقوي ابن سيد عابد حسين نقوي إن الله تبارك وتعالى نعم الرب وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نعم الرسول وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده الأئمة الأحد عشر نعم الأئمة وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن الموت حق وسؤال منكر ونكير في القبر حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والميزان حق وتطاير الكتب حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أفهمت يا سيد محمد آل نقوي ابن سيد عابد حسين نقوي إن الله ثبتك الله بالقول الثابت وهداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته اللهم جاف الأرض عن جنبه واسعد بروحه إليك ولقه منك قرهانا اللهم عفك عفا محمد وآل محمد صلى
भाई जी इसमें देख लिया पीछे आ गया और शायर क्या अजीब शेर कहता है, कहते हैं कि अब्बास मर गए अली अकबर जुदा हुआ, अब्बास मर गए। आप आज इतना बड़ा मजमा है जो ताजिया देने के लिए आया है, तसलिया देने के लिए आया है, लेकिन हाय गुर्बत हुसैन, अब्बास मर गए अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। उस गुर्बत के आलम में आए हैं हुसैन, तेरे खैमा पर आकर कहने लगे, या ज़ैनबो, या उम्मा कुलसूम, या रुकैयतो, या सुकैयतो, अलैकुम न मिन्नी अस्सलाम। अल्लाह जाने कैसे हुसैन सलाम किया है कि ज़ैनब ने एक मर्तबा हुसैन का बाजू थामा, कहा भैया जरा बंदे कबा तो खोलो। हुसैन ने बंदे कबा को खोला, ज़ैनब ने हुसैन के खुश गले पर बोसा दिया। कहने लगे बहन ये क्या किया, का अम्मा की वसीयत थी, सेना वक्त आखिर मैं न होंगी, लेकिन मेरी तरफ से हुसैन के गले पर बोसा दे देना। बाहर आए एक मर्तबा रावर पर सवार हुए, ऐ मेरे नाना के घोड़े हुसैन आज आखिरी मर्तबा तुझ पर सवारी कर रहा है, मगर घोड़ा आगे नहीं बढ़ता, जो ही कदमों की जानिब देखा क्या देखते हैं, एक 3 साल की बच्ची है जो घोड़ों की टापों से लिपटी हुई फरियाद कर रही है, ऐ मेरे बाबा के घोड़े मेरे बाबा को मख्तल में ना ले जाना, सुबह से जो भी खड़ा है वापिस नहीं आया। एक मर्तबा उतरे सकीना को आगोश में लिया, आंसुओं को साफ किया, और एक मर्तबा का सकीना आज के बाद मेरे सीने पर सोने की जिद न कर रहा, सीने का बाबा मुझे आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती, बेटा आज से माँ के सीने पर सोना, कहा तो भैया अली असगर सोता है, कहा बेटा आज से कानून बदल गया, अली असगर मेरे पास सोएगा, तुम अपनी माँ के हर मोहम्मद वाले मोहम्मद बदन सर सलवार थोड़ा सा इनको पीछे उठा दे जरा, सही लगाने बैठो 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 यहीं बैठो यहीं बैठो। अरे बेटा बैठो, हाँ हाँ बेटा यहीं बैठो यहीं बैठो बेटा बैठो। मरहूम का सोयम बरोज़ इतवार शाम से पहर 3 बजे कुरान खानी, 4 बजे मजलिस अज़ा मुनक़िद की जाएगी। आप तमाम मोमिनीन से शिद्दत की दरख्वास्त है।
वहशत कब्र का बयान आज की रात दो रकत नमाज वहशत कब्र है और जो मुमिन है अपने मिट्टी नरम करो बेटा इधर से इधर से नमाज पढ़िए हदीया मैयत सैयद मोहम्मद और नकवी अपने सैयद आबिद हुसैन नकवी नरम करो बेटा برائے بلندی درجات بلند ترین صلوات आ जाओ ऐसे घूम आराम से आराम से जी सत्ते के पैसे ये जमा कराइए इधर भी पड़े उठा के दिएगा तो बाहर रोड पर पढ़े जा रहे हैं
मौलाना सैयद मोहम्मद और नकवी की मर्जी से स्वयं 18 अप्रैल बरोज इतवार 3 बजे सहपहर कुरान खानी और 4 बजे मजलिस आजा इमाम बारगाह शाह करबला ट्रस्ट ओल्ड रिजिया सोसाइटी में मुनाकिद होगी। तमाम मामरीन से पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की इस्तेदा है। फातिहा के लिए हुज्जत इस्लाम अल मुस्लिमीन क़िबला काबा अल्लामा सैयद शहंशाह हुसैन नकवी साहब, उनके वालिद गिरामी मोहतरम सैयद आबिद हुसैन अलवी साहब यहाँ मौजूद है। तमाम मामरीन फातिहा खानी फरमाएं। मौमिन ऐलान एक बार फिर समाज फरमा लें। मजलिस स्वयं बराए बुलंदी दर्जात मौलाना सैयद मोहम्मद और नकवी साहब इमाम बारगाह शाह करबला ट्रस्ट ओल्ड रिजिया सोसाइटी में 3:30 बजे दोपहर मजलिस शुरू कराएगी। तमाम मामरीन से शिरकत की इस्तेदा है। 3:30 बजे सफेद मजलिस बस चलाए स्वयं हुज्जत इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद और नकवी मुनक्किद होगी। तमाम मामरीन शिरकत फरमाएं। Thank you.